ग्वालियर में ओबीसी महासभा और अधिवक्ताओं ने फूलबाग चौराहे पर हाथों में तख्तियां लेकर शहर में शांति की अपील की। बता दें कि बीते दिनों शहर में गुर्जर महाकुंभ के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर उपद्रव हुआ था, जिसके बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं सुरक्षा को देखते हुए एसएएफ की 2 कंपनियों की तैनाती शहर के अलग अलग जगहों पर कर दी गई है। मामले को लेकर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ओबीसी महासभा सोशल मीडिया के साथ एक ग्राउंड लेवल पर शांति के लिए लोगों से अपील कर रही है। शहर में अमन और शांति कायम रहे, सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहे, लोगों से अपील की जा रही है। देखिए, जो शहर, जो ग्वालियर शहर है, इसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई आप और हम साथ में मिलकर लड़े हैं। सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, प्रशासन का सहयोग हमेशा से प्राप्त हुआ है, पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ है। और कल जिस तरीके से गुर्जर समाज की जहाँ समापन यात्रा थी, उसमें उपद्रव देखने को मिला कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसमें गुर्जर समाज और प्रशासन के बीच में टकराव कराने का काम किया गया, उसकी हम निंदा हमने कल भी की थी और आज भी आपके माध्यम से करते हैं। फूलबाग चौराहा जहाँ से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और शहर भर में शांति की अपील कर रहे हैं। ग्वालियर में गुर्जर समाज का एक जनजागरण का समापन हुआ था, जिसके बीच में कल उपद्रव पैदा हुआ, जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो कल का जो माहौल देखने को एक सहमा हुआ डरा हुआ ग्वालियर दिख रहा था, उसकी उस अमन और शांति के लिए आज हम लोगों ने अपील की है, जिसमें हमारे साथ ओबीसी महासभा और समाजवादी पार्टी दलित सोशल मुक्ति मंच के लोग आए और हम लोगों ने हमने अपील की है शहर के वासियों से और सभी लोगों से, जो जो प्रशासन के लोगों से भी किया है और गुर्जर समाज से, कि ये शहर हमारा है और इस शहर में जब शहर हमारा है तो इसकी रक्षा करना